सीरियल रिश्ता क्या कहलाता है में अब रोहित की वापसी हो गई है, लेकिन रोहित की वापसी के साथ साथ अरमान और रोहित के रिलेशनशिप में डिफरेंस आ गए हैं, दरार आ गए हैं। क्या है पूरी डिटेल आइए जानते हैं। शो में रोहित की तकरीबन एक साल के बाद वापसी हुई है और अब जो है रोहित को बहुत कुछ बदला सा नजर आने वाला है। जब रोहित पोद्दार मेंशन छोड़ के गया था तब रूही और अरमान एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन अब जब रोहित वापस आया है तब अब रोहित को पता चलेगा कि अब अरमान और अभिरा एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों एक दूसरे के खातिर मर मिटने को भी तैयार हैं। हालांकि रोहित दादी को कन्विंस करेगा अभिरा और अरमान की शादी के लिए, लेकिन ये हमें बाद में दिखाया जाएगा। इससे पहले ये दिखाया जाएगा कि अरमान और रोहित का रिलेशनशिप वैसा नहीं है जैसा कि था। दो भाइयों का प्यार बॉन्डिंग उस टाइप का नहीं है। रोहित और अरमान के बीच में बहुत कुछ बदल गया है, दूरियां आ गई है, क्योंकि अब रोहित को पता चल गया है कि अरमान और रूही जो है एक दूसरे से प्यार करते हैं और कहीं ना कहीं रोहित के मन में ऐसा होगा कि रूही ने रोहित को धोखा दिया, अरमान ने अभिरा को धोखा दिया, तो वो सब चीजें इस वजह से दोनों में डिफरेंसेस आ गए। लेकिन अरमान को ये सब तब पता चलेगा जब रोहित होश में आएगा। हालांकि इस वक्त रोहित जब पोद्दार मेंशन में आया है तो वो बेहोशी की हालत में है और उसे चोट लगी है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि रोहित का एक्सीडेंट हो जाता है और वहां पे रूही मौजूद होती है, रूही लेकर आती है। सभी रोहित को देखकर काफी खुश होने वाले हैं, खास करके रोहित की माँ विद्या। और अब जो है जब रोहित को होश आएगा तब पता चलेगा कि अरमान और रोहित के बीच में बहुत कुछ चेंज हो गया है, तो ये सब जो है अभिरा ठीक करने की कोशिश करेगी। अभिरा जो है अरमान और रोहित को मिलाने की कोशिश करेगी। लेकिन फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या वाकई रोहित और अरमान के रिश्ते में दरार आ गई है? जो भी लगता है कमेंट करें और भी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल गपशप टॉक।